हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइफ का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल आरजेसी न्यूज दिखाए आपके जरूरत की खबर। किन्नर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी के मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचा सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्रांतर्गत कस्बा अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगमसराय निवासी अजीम उर्फ ज्योति किन्नर की उसके ही पति सद्दूर सादाब द्वारा आपसी विवाद के चलते तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गया था, जिसमें आज स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने आरोपी सद्दू उर्फ सादाब को तमंचा सहित गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना अफजलगढ़ के कस्बा अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगम सराय में एक किन्नर महिला की सबसे उसके पति द्वारा 3 दिन पूर्व अवैध तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आज स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तेरह अगस्त को अजीम नाम के एक महिला किन्नर की गोली मार करके अफजलगढ़ कस्बे में हत्या कर दी गई थी, जो बेगमसराय की रहने वाली है। इसकी हत्या उसी के पति ने सद्दू उर्फ सादाब ने किया था। यद्यप सद्दू ने दोस्त शादी किया था, दुबई विदेश यात्रा भी करता है। इसका विवाद पारिवारिक अंतर कलह, रुपए का लेन देन, 11 लाख रुपया लिया था मुस्लिम फंड में जमा करने के लिए, उसमें इसने खलक मलक किया। सद्दू एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ 307 चोरी एक्सटॉर्शन के हत्या के आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे कायम हैं। तमंचे सहित इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है एवं इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। इसके जो एसोसिएट मेंबर हैं जो इस कार्रवाई में लिप्त हैं, उनकी भी पहचान करके कार्रवाई कराई जा रही है।